हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिम मैथ्स ब्लॉग। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आज तुम लोगों को बताऊंगा इस टाइप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इजी प्रोसेस क्या है। आज तुम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इजी प्रोसेस के साथ स्टेप टू स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस वाई रूट ओवर ऑफ वाई। तो माय डियर स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस वाई रूट ओवर ऑफ वाई का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालना चाहिए आज इस वीडियो के माध्यम से इजी प्रोसेस के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टूडेंट। स्टूडेंट, एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस वाई रूट ओवर वाई का वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, एक्स का कोई भी पावर नहीं है, मतलब तुमको वन लेना चाहिए, ठीक है। रूट एक्स मतलब क्या है, एक्स टू दी पावर हाफ। तो इसमें तुमको क्या करना चाहिए, एक्स टू दी पावर वन इंटू एक्स दी पावर हाफ तुमको लिखना होगा, और यहाँ पर सेम तुमको लिखना चाहिए। तो वाई तुमको सेम कॉपी करो, तो वाई का कोई भी पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, वन, ठीक है स्टूडेंट। इंटू वाई का पावर रूट ओवर ऑफ वाई, तो रूट ओवर वाई मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, वाई टू दी पावर हाफ, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो बेस सेम है, एक्स एक्स, मतलब इस फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना चाहिए, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, मतलब क्या है, ए टू दी पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पर तुमको पावर को प्लस करना चाहिए, मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू दी पावर वन प्लस वन बाई टू प्लस, यहाँ पर पावर को प्लस कर दो तो हो जाएगा वन प्लस हाफ, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको कैलकुलेशन करो, तो वन प्लस हाफ मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू प्लस, यहाँ पर भी सेम प्लस कर दो तो वन प्लस हाफ मतलब क्या है, थ्री बाई टू, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए फिर से, तो माय डियर स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला, यहां पर देखो ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या है, ए टू दी पावर एम इंटू एन। तो इस फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको कैसे लिखना होगा, यहां पर देखो थ्री बाई टू, मतलब कैसे लिखना होगा, यहां पर लिखना चाहिए थ्री इंटू हाफ, थ्री इंटू हाफ, तो थ्री इंटू हाफ मतलब क्या है, थ्री बाई टू, और सेम तुमको यहां पर भी लिखना चाहिए थ्री बाई टू, दैट इज यहां पर हो जाएगा थ्री इंटू हाफ, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद तुमको क्या इसे लिखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, तो हाफ को तुमको ब्रैकेट के अंदर में लिखना चाहिए, यहां पर देखो ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन मतलब क्या है, ए टू दी पावर एम इंटू एन, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है तुमको लिखना चाहिए, एक्स टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर थ्री, ठीक है स्टूडेंट, प्लस सेम तुमको यहां पर भी लिखना चाहिए y टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर थ्री, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, हाफ मतलब कि पावर हाफ मतलब रूट, ठीक है स्टूडेंट, तो रूट ओवर ऑफ x होल टू दी पावर थ्री, ठीक है स्टूडेंट, प्लस रूट ओवर ऑफ y होल टू दी पावर थ्री। तो माय डियर स्टूडेंट, एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस वाई रूट ओवर ऑफ वाई मतलब ए रूट ओवर ऑफ एक्स टू दी पावर थ्री प्लस वाई रूट ओवर ऑफ वाई होल टू दी पावर थ्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू तुमको निकालना होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट रूट ओवर ऑफ एक्स, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई, ठीक है। तो ए प्लस बी, उसके बाद तुमको क्या लिखना चाहिए, ए स्क्वायर, तो ए मतलब क्या माय डियर रूट एक्स, तो रूट एक्स स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पर पहले तुमको लिखना चाहिए रूट एक्स होल टू दी पावर टू माइनस, यहां पर माइनस है तो माइनस फॉर्मूला माइनस तुमको देना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर लिखना होगा रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ वाई प्लस रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, देखो लिखना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद तुमको क्या लिखना होगा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए तुमको रूट एक्स प्लस रूट वाई का वैल्यू तुमको यहां पर निकालना चाहिए इस इक्वेशन से, इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको
इसका वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या निकालना होगा, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वाई का वैल्यू निकालना चाहिए। और सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर तो इसका तुमको वैल्यू निकालना होगा रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर देखो स्क्वायर पर से क्या होगा, रूट रिमूव हो जाएगा, तो एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स वाई। तो माय डियर स्टूडेंट देखो सेम पावर, ठीक है, रूट ओवर ऑफ एक्स मतलब एक्स टू दी पावर हाफ और वाई टू दी पावर भी हाफ, ठीक है। तो ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम का मतलब क्या है, ए बी होल टू दी पावर एम, ठीक है। तो इस फॉर्मूला तुमको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर भी सेम तुमको रूट ओवर वाई का स्क्वायर करने से क्या होगा, सिर्फ वाई लिखना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस वाई रूट ओवर वाई का वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई इंटू एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स वाई प्लस वाई, ये दो वैल्यू तुमको यहां से निकालने के बाद यहां पर तुमको पुट करना चाहिए। तो रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई का वैल्यू और एक्स माइनस रूट ओवर एक्स वाई प्लस वाई का वैल्यू तुमको यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू इजी से मिल जाएगा। लेकिन तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई का वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये दो इक्वेशन सॉल्व करके तुमको ये दो एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना होगा, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई एंड एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स वाई प्लस वाई का वैल्यू निकालना होगा। तो यहां पर तुमको निकालना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 39, ठीक है स्टूडेंट। एक्स वाई का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39 एंड एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 25, ठीक है। तो इसका वैल्यू इस दो इक्वेशन से निकालना होगा, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई, तो यहां से तुमको निकालना होगा। तो फर्स्ट तुमको क्या करना चाहिए, रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39, तो इसको कैसे लिखना होगा, एक्स मतलब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, रूट ओवर ऑफ एक्स होल टू दिवर टू लिखना होगा। तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स एंड वाई मतलब क्या है, रूट ओवर ऑफ वाई तर होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 39। तो माय डियर स्टूडेंट तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला तुमको यहां पर अप्लाई करना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई को तुमको ऐसे तुमको लिखना चाहिए, ठीक है, कि क्यों, ये रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई का वैल्यू निकालने के लिए, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वाई का वैल्यू निकालने के लिए तुमको एक्स प्लस वाई को तुमको रूट ओवर ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर वाई तर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39 फॉर्म में तुमको लिखना होगा। उसके बाद फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस फॉर्मूला तुमको यहां पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना होगा, तो इस फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई होल स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ वाई इज इक्वल टू 39, ठीक है स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट रूट ओवर ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना होगा, लेकिन तुमको रूट एक्स इंटू रूट वाई का मतलब क्या है, रूट एक्स इंटू रूट वाई मतलब रूट ओवर ऑफ वाई एक्स वाई, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट रूट एक्स इंटू रूट वाई मतलब क्या है, रूट ओवर ऑफ एक्स वाई, तो रूट ओवर ऑफ एक्स वाई का वैल्यू तुमको निकालना होगा। तो यहां से तुमको रूट ओवर ऑफ एक्स वाई का वैल्यू निकालो, तो बोथ साइड तुमको क्या करना चाहिए, रूट लेना चाहिए। तो रूट ओवर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, बोथ साइड में रूट लेना चाहिए, तो रूट ओवर 25 मतलब क्या है, प्लस माइनस 5, ठीक है। लेकिन तुमको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना होगा, इसको फिर से लिखो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई होल स्क्वायर माइनस टू इंटू, तो माय डियर रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर वाई मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स वाई, तो इसका वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 5। तो तुमको पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए, तो यहां पर सिर्फ तुमको क्या लेना है, 5 इज इक्वल टू 39, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर से तुमको यहां पर क्या करना चाहिए, सेम लिखो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर देखो माइनस 10, तो राइट साइड में ट्रांसपोज करने से क्या हो जाएगा, 39 प्लस 10 मतलब क्या है,
49। ठीक है स्टूडेंट, तो रूट ओवर ऑफ एक्स का, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वाई का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज करने से क्या होगा, रूट हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 49। तो रूट ओवर ऑफ 49 मतलब क्या है, प्लस माइनस 7। तो तुमको पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव, तो रूट एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई का वैल्यू हो जाएगा 7। तो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर का, रूट ओवर ऑफ वाई का वैल्यू ऑलरेडी निकल गया, ठीक है। लेकिन तो इसका वैल्यू निकालने के लिए तुमको x माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स वाई प्लस वाई का वैल्यू भी तुमको ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना होगा, ठीक है। तो फिर से तुमको क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पर देखो रूट ओवर ऑफ एक्स वाई का वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है 5। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो इसको प्लस कर दो, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39 और रूट ओवर ऑफ एक्स वाई मतलब क्या है, प्लस माइनस 5। तो ये दोनों को प्लस करने से इसका वैल्यू इजी से मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ तुमको क्या करना चाहिए, एक्स प्लस वाई के साथ रूट ओवर ऑफ एक्स वाई को माइनस कर देना चाहिए। तो इस दो इक्वेशन से क्या कैसे निकालना होगा, यहाँ पर देखो माइनस कर दो, तो एक्स प्लस वाई माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट, 39, और रूट ओवर ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 5। तो पॉजिटिव वैल्यू तुमको लेना चाहिए, मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5। सो रूट ओवर ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस देना होगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस रूट ओवर एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा 39 माइनस 5। तो इसको माइनस करने के बाद कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 39 से 5 माइनस कर दो तो हो जाएगा 34। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका वैल्यू कितना है 34, इसका वैल्यू कितना है 34, और इसका वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ पर तुमको पुट कर देना चाहिए, तो इसका वैल्यू 7 यहाँ पर पुट कर दो इनटू, और इसका वैल्यू कितना आया 34, तो इसका वैल्यू 7 और इसका वैल्यू 34, तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने से क्या कितना आएगा, 7 4 जा 28 इन हैंड 2 एंड 7 3 जा 21 प्लस 2 मतलब क्या होगा 23। तो आंसर कितना आएगा 238, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, 238। So my dear student, if you like this video and if you like this trick, so please support me and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.